अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल यूं ही की अगली किस्त में आप देखेंगे किंजा से कुछ चीजें गुम हो जाती है और किंजा इस चक्कर में घर में कहती है कि मैं अब पुलिस स्टेशन जाऊंगी। जी सुनकर दाऊद का बाप बहुत परेशान हो जाता है और दूसरी तरफ व्यूअर्स किंजा के वालिद भी किंजा को समझाती है कि बेटा इस तरह नहीं करते, ये हमारे घर का मसला है, ये हम घर में भी ख़त्म कर सकते हैं। ऐसा अगर हमने किया कि पुलिस तक बात पहुंचा दी तो ये हमारी इज्जत का सवाल है। व्यूअर्स दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दाऊद किंजा से कहेगा कि किंजा आइंदा जब भी कोई काम हो या कोई मिस्टेक्स किसी से हुए हो तो आप सारी बातें मुझसे कर दो क्योंकि मैं अब तुम्हारा शौहर हो और ये बात तुम तस्लीम करो कि अब हमारी दोनों की ज़िंदगी ऐसी पहले की तरह नहीं रही, हम एक दूसरे के साथ सिर्फ लड़ते और झगड़ते नहीं रहेंगे लेकिन खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी आगे मूव करेंगे। उस किंजा फिर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मैंने बहुत अच्छा किया कि दाऊद जैसे लड़के से शादी कर लिया, मैं जिसको टेररिस्ट समझता था वो तो टेररिस्ट नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान है। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल यूं ही की अगली किस्त में आप देखेंगे किंजा से कुछ चीज़ें गुम हो जाती है और किंजा इस चक्कर में घर में कहती है कि मैं अब पुलिस स्टेशन जाऊंगी। जी सुनकर दाऊद का बाप बहुत परेशान हो जाता है और दूसरी तरफ व्यूअर्स किंजा के वालिद भी किंजा को समझाती है कि बेटा इस तरह नहीं कर